सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश की नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सरकारां अते समाज सेवी लोग जो ने जदोजहद कर रहे हैं कि गरीबों का जो ढिड है वह भरिया जा सके, क्योंकि एक पासे जिथे गरीबी जो है वह भी लगातार वध रही, दूजे पासे कोरोना वायरस करके जो लॉकडाउन किया गया, करफ्यू लगाया गया, उस करके सरकारां जोर लगा रही हैं कि हर एक का ढिड भरिया जाए। पर इस दौरान एक होर मामला सामने आया जिस विच कि फरीदकोट के दशमेश नगर में एक डिपू होल्डर जो है उसकी एक वीडियो बनाई गई है कुछ लोगों वालों कि वो जो है अवैध रूप नाल जो राशन सरकारी आता है, कणक सरकारी आती है, उसनों अगे दुकाना ते वेच रहा है। पूरा मामला तुम समझावे, पर उस तो पहले तो नज़र मरवा देना कि आखिरकार उस वीडियो विच की कुछ है। गड्डी भरी सी कणक दे नाल है, घट तो घट सारी गड्डी भरी सी। हाँ तो कहते रोशन तो खरीदी है, देख मजमियां की कणक आई है तुहाडे कोले, तुसी ना फिर भी मजमियां का डिपू सीगा तुसी कर करा के आपदे कोले लै लिया, तुसी रज के लब नप नप सुट कर रहे इस चीज़ की। सवाल ही नहीं पैदा होता रूबी इस गल नूं ना मान के चल। हां हां जिहड़ी खेती भरावा होर हुण वेचनी मैं आपदी। ये कणक कितों लिया तू, कितों लिया है, केड़े आस्ते, केड़े आस्ते? रोशन तो लिया ना चक्के उतों, रोशन तो लिया है ना है, केड़े रोशन तो इस तो गली नंबर दो वाले तो। रोक ला। जिस तरीके तुम वेख्या कि वीडियो विच जो है शरेआम जो गट्टे जिन्हें सरकारी कणक वाले वो लद के ले जाए जा रहे हैं, इन्ह लोगों वालों वीडियो बनाई गई है, पूरा मामला जानना चाहवांगे कि उस दौरान होया की कुछ सीगा। होया जी मैं सुबह का टाइम सीगा, पानी लैके बाहरों घर अंदर वापस मुड़ रहा सी, तो मैं देखा भी मेरे घर तो एक घर छड़ के नाल ही डिपू आ, तो मैं देखा भी कुछ बंदे आ कणक के गट्टे आ जिहड़े वो गड्डी दे विच लद रहे सीगे, तो दूरों देख के इन्ना जल्दी पता नहीं सी लग रहा भी ये लद रहे आ कि ला रहे आ। जब मैं नज़दीक जाके देखा तो डिपू के विचों गट्टे चक के दो व्यक्ति आपकी गड्डी दे विच लद रहे सीगे, तो मैं उन्होंने जब पूछा कि जो गरीबों वास्ते जो साढ़े वास्ते राशन आ रहा वो की सानू मिलेगा, तो उन्होंने कहा गया भी ये राशन तुहाडे वास्ते नहीं गा, ये तो साडा आपदा परसनली साडा आपदा। तो जो मैं देखा भी सरकारी गट्टे 2 रुपए किलो वाली जी सरकारी कणक सरकारी गट्टे वो गड्डी दे विच लदे जा रहे सीगे, मेरे जो मैं मेरे वालों विरोध किया गया उन्होंने तो पुछदा भी यह क्यों आते कातों आ, तो वो बंदे ने गड्डी भजा ली सी दशमेश नगर गली नंबर 1 दे विच उन्होंने गड्डी भजा के वाड़ ली। जो मैं वीडियो किस तरीके बनाई हो वो गड्डी दे मगर पहला मैं भज्जिया जी, फिर अगे जाके गड्डी दे खड़ गया, मैं फ्रंट तो गड्डी दे जो वीडियो बनाई तो गड्डी का जो नंबर सी PV04AA2540 सीगा, तो जो मैं गड्डी के फ्रंट पर खड़ा तो उन्होंने मैं पूछा भाई ये कणक तुम कितों लैके आए हो, तो किने दिती तुहानू, उन्होंने मेरे सामने बंदे ने मन्या कहिंदे तुहाडे जिहड़ा रोशन आ असीं उस तों लैके आए हाँ, तो झूठ मारन की कोशिश की भी असीं तां लंगर वास्ते, मैं कहा जे कणक लंगर वास्ते तो फिर तुम चोरी क्यों लिजा रहे हो, ढाके क्यों लिजा रहे हो, तो उन्होंने इन्ना जो गल का वजे मेरे विरोध हो रहा है उन्होंने मेरे उपर गड्डी चढ़ाने की कोशिश की, तो गड्डी भजा के लै गए, तो उस तों बाद उसके मगर ही जिहड़ा डिपू का मालिक आ रोशन सिंह पुत्र दवान सिंह, जदों मैं वो मगरी गड्डी दे आ रहा सी तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भी ये तुसी गरीबों नाल धक्का क्यों कर रहे हो, जिहड़ी साढ़े हिस्से की साढ़े गरीब लोगों के हिस्से की कणक ये तुसी क्यों बाहरले लोगों को चुका रहे हैं, तो मैनू कहिंदा भी मैं तो चुकाऊंगा मैं तो वेची आ, तू जिहड़ा कुछ करना कर ला तो तैनू असीं वेख लांगे। तुहाडे इलाके की गल करिए किस तरीके का इलाका तुहाडा, तो लोगों को कणक मिले कितना टाइम हो गया? देखो जी साडा जिहड़ा मेरा इलाका पहली तो गल दशमेश नगर तकरीबन स्लम एरिया जिथे 80% गरीब लोग ही वसदे ने, गरीब लोग वसदे ने, ना कोई पहल करता ना ही उठ के कोई जवाब दिंदा ते ना ही किसी कोई पुछदा, गरीब लोग होने करके ये लोग साढ़े नाल शुरू तो हुण तक धक्का करदे आए ने। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हो? असी कार्रवाई ये चाहते हैं जी, देखो जे साड़ी 80% आबादी दशमेश नगर की 80% आबादी है साड़ी वो मजहबी सिखा की है, तो मैं चाहना भी जिहड़ा डिपू आ वह भी साडे किसी गरीब बंदे कोले होवे मजहबी सिख कोले होवे जिहड़ा साडा दर्द तो पछाणे, ये लोग साडा ना तो दर्द पछाणदे आ ना साडे नाल कोई चज दा वरतीरा करदे, हुण तक धक्का ही हुंदा है जी साडे नाल। तां कुल मिलाए गल करिए आपां इत्थे जो MC साहब ने वो भी मौजूद ने, MC साहब ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੰਡਦੇ ਆ ਡਿਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਤੋਲੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 25 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿਸੇ 'ਚ 24 ਨਿਕਲਦੀ ਆ,
तो कई मैं डिपुआल फोन भी किए भी तुम इस तरह ये ना करो तो उन्होंने नहीं जी असी तो जो पिछों दे चुकाने हैं। देखो इन्ना तो गट्टा 30 किलो चो 24 या 25 किलो नहीं रह सकती गी, अद्धा किलो घट सकती है ज पाइया घट सकती है कणक, पर यह लोगों की शिकायत पहला तो बड़ी है। पर जदों इन्होंने साढ़े बस्ती के कमोटवार ने बंदे ने कैंटर जाके मगर फड़िया, अभी चक्की से गए वेख्या उदों पुलिस आ चुकी सी जी, उन्होंने आपके चक्की तो गट्टे जो पुलिस लैन गए चुका दिते, जो चुका दिते जो असी गए फिर उत्थे गल हुई भी दरखास्त दे गए, पुलिस भी गई चली, हुण असी डी एफ अफसर को आए हैं जी, उन्हें पी एन ने कोई साड़ी गल नहीं सुनी, वाहवा मेहरबानी की अफसर थले उतरिया उन्होंने रोकया, उन्हें साड़ी गल सुनी साड़ी दरखास्त ली जी, बाकी जो कार्रवाई बनती है जो जिहड़ा बंदा इस तरह की हरकत करता वो इस डीपू के हकदार ने। तो कुल मिलाकर गल की जाए तो गरीबों का शोषण कहा जाए तो इसमें वो भी गलत नहीं होगा। फिलहाल जो पूरा मामला है जांच का विषय है, जो सीनियर अधिकारी ने उन्होंने भी गलबात करते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले पर की कुछ कहना है। तो सीनियर अधिकारी जो ने महकमे से साढ़े मौजूद ने, सर मामला इन्होंने को आया कि कोई व्यक्ति डिपू होल्डर कणक जो है सरकारी वो वेच रहा है, किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है ये तो जो भी बनती कार्रवाई मैं हमने डायरेक्शन देती है कि हमने इंक्वायरी करने वास्ते कहा गया है और जो भी कार्रवाई होंगी है और अगेंस्ट जो एक्शन लिया और जो FIR बनती है एफ आई आर कराई जाऊगी जी और डिपू सस्पेंड वो भी किया जाऊगा जी। सर कोई यही कमेटी भी होंगी जो कि इन चीज़ें नज़र रखती है भी जो लोग इस तरीके का कोई कार्रवाई करते हैं उन्होंने कोई नज़र रखी है, कोई कमेटी इस तरीके की भी होंगी है? कमेटी इन द सेंस साढ़े स्टाफ लगा होंगे जो डिपू होल्डर है और हर एक इंस्पैक्टर डिपू होल्डर दिता हुआ है और अकॉर्डिंग जोड़ा है कि डिपू होल्डर से निगरानी रखनी होंगी है और AFSO DFSO होंगे है, जबकि उन्होंने जो कोई कोई मसला सामने आता है तो अपने वालों रिपोर्ट करके इनू करते हैं कि हूँ जिमें मसला लिया गया तो मैं ड्यूटी लाती है यदि रिपोर्ट आ जाएगी उस बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गल करिए किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? जे तो ये जो ये लिखा गया जे साबित होंगे तो FIR उसे लिखा जा सकता है, नाल दे नाल ही उरा डिपू सस्पेंड किया जाऊगा। थैंक यू वेरी मच। तो सीनियर अधिकारी जो ने इस महकमे के FCI के साढ़े नाल मौजूद ने, गल की जाए कार्रवाई की तो कार्रवाई जो है डिपू होल्डर है जेकर वो दोषी पाया जाता उसका डिपू जो है वो भी सस्पेंड हो सकता है, तो नाल दे नाल FIR भी उसते दर्ज की जा सकती है। फिलहाल देखते हैं कि इनकुआरी की गल की जा रही कि इनकुआरी बिठाई जाएगी इस पूरे मामले से, उस तो बाद जो कुछ भी जांच सामने आएगा उस दे अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि कार्रवाई दौरान की कुछ नवा निकल के सामने आएगा और जेकर डिपू होल्डर दोषी है तो उसते कार्रवाई जो है किस तरीके की होगी। फरीदकोट तो कैमरा पर्सन राजेश बागड़ी, सूरज प्रकाश, दैनिक सवेरा TV।